आज न्यू ईयर है, फर्स्ट जनवरी है आज, और आपको सेकेंड जनवरी को मिल रही होगी ना। हाँ, तो आज फर्स्ट जनवरी की शाम है। दिन भर आज कुछ काम नहीं किया, खूब मजे किए, रौनक मैं और मैं ही थे घर में। तो अभी शाम को हम जा रहे हैं हमारे गांव में, एक बहुत अच्छा सा है, मतलब एक मनाया जा रहा है। तो क्या है, कैसे है, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले जाते हैं, इंजॉय करते हैं। चलो आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। ये वाला जैकेट भी मैंने लाया रौनक के पापा को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी हम ठंडे ठंडे में निकलेंगे, बस हमें थोड़ा सा आगे जाना है रौनक की मैम के घर। और क्यों जाना है वो फिर बता दूंगी मैं आपको, अभी अंधेरा है ना। देखो ये रौनक की मैम है। और अच्छा आ रही है, और यहाँ पे है बर्थडे पवन भैया का। बच्चा पार्टी, निर्मल से आए बोला। कहाँ से? ये वाली, इनसे मैंने फोन पे भी बात की थी एक बार। नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत है इधर, मेरा पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। हेलो जी, हेलो है। हाँ, पहले ही केक कटा नहीं है, कहाँ है? मम्मी जरो बेटे, किसकी वीडियो बन रही है इधर? मत दुखी अभी आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब कि जैसे पवन भैया हैं काफ़ी बड़े हैं, तो इनका बर्थडे क्यों मना रहे हैं इतना, मतलब कि वैसे हमारी साइड इतना होता नहीं है। एक्चुअल में जो पवन भैया है ना, उनका लास्ट ईयर फर्स्ट जनवरी को बर्थडे था, और सेकंड जनवरी को उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम मैंने ना ही व्लॉग में बताया, पर ये था कि पूरा गाँव हमारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि होते ही है जब आप इनका इतना मतलब कि सीरियस वाला वो हो गया था ना एक्सीडेंट, कि इनको पता भी नहीं था जब इनको होश आई, क्योंकि ये मे भी शायद कोमा में भी चले गए थे। और फिर जब इनको होश आई काफ़ी दिनों के बाद, तो इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। और जब गांव में जैसे बच्चे होते हैं, तो या जो सभी के बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, वो सभी के होते हैं, आपस में अटैचमेंट होती है। तो हम सब ने इनके लिए बहुत सारी प्रे की, और उसी की वजह से आज हमारे बीच में ये सब हैं। सब इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप भी इनको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब कि सभी की आँखों में आंसू थे, ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और सब खुशी खुशी से गए थे, हम भी गए थे। तो ये इनके सिस्टर हैं, बहन है, एक ही भाई है, एक ही बहन है। तो सोचो, बहन पे, भाई पे, माँ पे, बाप पे, पूरे गांव वालों पे, हम पे क्या गुजरी होगी जब ऐसे हुआ होगा। तो फर्स्ट जनवरी को हमारा कुछ ऐसा था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, खुशी की बात थी। अब जो है ये भैया अच्छे से रहे, वैसे मेरे तो बेटे ही लगते हैं ना गांव में, पर मुझसे तो बड़े ही हैं, तो मैं भैया ही बोलती हूँ इनको। तो हमने इस तरह से सेलिब्रेशन किया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। हमने इस तरह से किया पूरे गांव वालों ने मिल के। ये अलग है।
तो आज यहाँ पे जिनका बर्थडे है ना, उन भैया का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था ना, पूरा गांव है आज यहाँ पे पीछे। अभी हम खाना वाना भी खाएंगे, मतलब कि उनको दूसरा जन्म मिला है ये, तो सारा ही गांव उस टाइम, हमारा पूरा गांव में ऐसे बोलो एक वो छा गया था कि जैसे कि भाई न्यू ईयर किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्या छोटे क्या बड़े। पिछले साल का न्यू ईयर बिल्कुल ख़राब था, उस टाइम मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बताया, लेकिन हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, मतलब कि रो रो के सारा गांव। आज ये है असली न्यू ईयर हमारा। चलो खाना खाते हैं। हमारे जैसे धाम बनती है वैसे ही पूरा खाना, ब्रंच, मटर पनीर, मीठा भात बोलते हैं जिसको हम ब्रंच को, मटर पनीर, सब्जी, चावल, रोटी, सब कुछ बना हुआ था। हम वापस आ गए और देखो हमने आग जला दी है क्योंकि खाना खाते ठंड, ड्रम जलाए थे बड़े बड़े जैसे, पर फिर भी हो जाता है। और अभी हम बैठेंगे कुछ देर क्योंकि 8 बजे के लिए हम वापस आ गए। और डांस वगैरह का कुछ मुझे था नहीं लगा, नहीं तो फिर मेरा तो हो जाता है डांस करने का भी। बाकी न्यू ईयर की शाम हमने ऐसी बिताई, दिन भर तो मैं आज खैर स्टिचिंग ही कर रही थी। और देखो ना, मतलब कि कभी कभी पता है क्या, लाइफ के कुछ ऐसे मतलब कि मोमेंट्स होते हैं ना जो हम फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। क्या हुआ, रस्ती भूख रहा है, गेट बंद है। हाँ, इधर बहुत है ना लगे अभी वो आने जाने वाले, इतनी रोड पूरा, इतने लोग आए हैं बहुत, मतलब कि जैसे आसपास के ये ना गांव के लोग वो भी गाड़ी में आते हैं, तो अभी पाँव सुन हो गए हैं, पाँव गर्म करेंगे। रौनक का बेचारे का दिल लग गया था, आगे आगे रुकने वाला था। आज पता क्या है, मैं इसको बोल भी रही थी रह जाना तो रह जा, पर आज फिर उधर अभी आने जाने वाले बहुत हो गए ना, रौनक के फ्रेंड का घर भी वहीं पे ही है साथ में। और बाकी अब सुबह मिलती हूँ आपसे, हम खुश हैं आज पवन भैया के लिए स्पेशली, क्योंकि लास्ट मेरे ख्याल से कब हुआ था उनका, 2 को हुआ था सुबह ना, सोचो 1 जनवरी को उनका बर्थडे है, 2 जनवरी को सुबह वो ड्यूटी पे निकले अपने आराम से, और सुषमा अपने ड्यूटी पे चले गए थे। वो टीचर है, मैथ की टीचर है, वो मैथ की टीचर, मेरे को थोड़ा डर भी लगता है, पर रौनक को लगता है अपनी मैथ की टीचर से डर नहीं, अच्छा कर रहा हूँ तो क्यों डरू है ना। और इसकी टीचर है भी बड़े प्यारे हैं, सारे टीचर स्टाफ सारा ही अच्छा है यहाँ का वैसे देखा जाए। फिर उनका क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया सुबह 10 बजे। उस टाइम पता है मैंने यूट्यूब पे जैसे व्लॉग बनाती थी ना, सिर्फ ऐसे मतलब कि रात दिन यहाँ से बस उनके लिए प्रे चली थी, प्रार्थना चली थी सबकी ही, वो कोमा में चले गए थे ना वह ना। फिर खराब था, मतलब कि खुद ही समझ लो, जिसको बोल रहे दूसरा जन्म बोल रहे हो उनका, अदरवाइज हमारे इतने जैसे बर्थडे वगैरह उतना नहीं मनाते हैं, पहाड़ों में इतना नहीं होता है, तो इसमें सब ही खुश है मतलब कि उनके लिए। मैं तो खुद भी फिर मैं अंदर से फिर ऐसी हो जाती हूँ थोड़ा सा, मुझे भी लगता है ऐसा जैसा। फिर चलो सुबह मिलती हूँ, अब थोड़ी देर पाँव वगैरह सेकेंगे इधर। बाकी रौनक तो ऐसे ही है जी, भगवान करे इसको सद्बुद्धि मिले, इसके टीचर्स इसके वीडियोस देखे, और स्कूल जैसे ही खुले तो रौनक के, मुझे सिर्फ इसका ये है कि जो इसके वो है ना, क्या बोलते रौनक उनको, टेबल्स, वो पूछे ठीक है। इधर देख, ठीक बोला। मिलेंगे नए ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।